देखिए रामनवमी के दिन लगभग 118 जगह जो शोभा यात्रा और जुलूस जो है निकाली गई। हर जगह शांतिपूर्ण ढंग से शोभा यात्रा जो है निकाली गई। दो जगह खासतौर पे सासाराम बिहार शरीफ, वहाँ दंगा भड़काने का प्रयास किया गया। उसको देखते हुए प्रशासन जो है कार्रवाई कर रही है और लोगों को चिन्हित करके उसी हिसाब से कठोर कार्रवाई की जा रही है। सैकड़ों लोगों को धर पकड़ा भी गया है जो लोग इस दंगा में जो लोग शामिल हैं। और आप लोग समझ सकते हैं कि लगातार बिहार को टारगेट किया जा रहा है। पहले बिहार को चेन्नई मतलब तमिलनाडु के लोगों से लड़ाने का प्रयास किया गया, जब उसमें असफलता ये लोग पाए तो यहाँ दंगा फसाद जो है वो कराने का प्रयास किया गया। इसको लेकर के पूरी तरीके से सरकार जो है गंभीर है और जो लोग भी इसमें पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। सत्ता रहे या ना रहे लेकिन अमन चैन सद्भाव जो है वो कायम रहेगा। चाहे जो कुछ करना पड़े हम लोग सब लोग करेंगे। और आप लोग जान ही रहे जहाँ जहाँ लोगों का प्रयास रहा है, पूर्णिया के रैली के बाद लोगों जो है बौखलाए, अब इस तरह का दंगा को लेकर के कौन कौन आकर के क्या क्या बोला वो पूरी तरीके से क्या राजनीति है बिहार के लोग सब लोग समझदार हैं और समझ रहे हैं कि कौन कौन लोग जो है इस तरह का काम जो है लोग करवाते हैं। तो इसमें किसी को बख्शने का सवाल ही पैदा नहीं होता और उल्टा टांग देना सीधा कर देना ये बिहार है। हम तो कहना चाहते हैं कि ये बिहार है और बिहारी जो है उल्टा जो करेगा उसको सीधा कर देगा। जो लोग भी बिहार के ऊपर बुरा नज़र डालेंगे बिहारी उनको उल्टा से सीधा कर देंगे। भाई बिहार है, गुजरात के लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग गुजरात से आते हैं अलग अलग प्रवचन देते हैं यहाँ, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि यही बिहार है जो मोहनदास को महात्मा गांधी बनाने का काम किया। ये बिहार है महात्मा बुद्ध की धरती है। ये सूफी संत मकबूल साहब की धरती है, कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है, लालू जी रिची जी की धरती है। तो यहाँ कहीं भी दंगाइयों का बख्शने का सवाल ही नहीं होता। जब यात्रा लेके निकला गया था तो यही लालू जी थे जिन्होंने आडवाणी जी के रथ को जो है रोकने का प्रयास किया। हम तो बिहार के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इन भाजपा और आरएसएस के डिज़ाइन में मत पड़िए। ये लोग 15% का डर दिखा रहे हैं। किस पर? 85% पर। 85% जो हिंदू हैं उनको 15% का भय होगा। कैसी बातें ये लोग कर रहे हैं, असल मुद्दों से ये लोग ध्यान भटका रहे हैं। हमने सदन में लेके इस पर कहानी भी बताई थी। तो ये बेरोजगारी ज़्यादातर लोग कौन है? हिंदू हैं। अमित शाह जी को बताना चाहिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे नहीं देंगे, इस पर तो कोई बात नहीं की। लेकिन इन चीज़ों को बढ़ावा देना भड़काना ये ऐसी बातें करते हैं तो हद हो गए। वो बोलते दंगाइयों को उल्टा से सीधा कर देंगे। इनके कितना सांसद इनके बगल में बैठ के दंगा भड़काने का बात करता, कितना लोगों को सीधा किया। इसमें जो फेडरल हमारा स्ट्रक्चर जो है तो सरकार होती है, सरकार से वार्तालाप करनी चाहिए। लेकिन अब क्या कहिएगा, सब पे क्या कहना है, क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या करने का प्रयास किया जा रहा है, ये सब लोग हम लोग समझ रहे हैं। पूरा साजिश ये करवाया गया है, पूरी तरीके से ये प्लान्ड है आगे भी, और इसकी तहकीकात जो है वो की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी भी बात हुई थी जब ये घटना हुई, जिस दिन
डीजीपी साहब से बात हुई, लगातार हम लोग जो है फॉलो अप कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे आप लोगों को भी बता दिया कि किसी को छोड़ा नहीं गया।